नमस्कार, ईएमएस टीवी की खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल जी मौजूद हैं। आलोक अग्रवाल जी आम आदमी पार्टी के अलावा पिछले 28 सालों से नर्मदा आंदोलन से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा के काम किए हैं, समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं। तो आइए आज इनसे आम आदमी पार्टी की गतिविधियों को लेकर कुछ बातचीत करते हैं। आलोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है ईएमएस टीवी में। तो आलोक जी सबसे पहले यहाँ पे जानना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी ने विगत दिनों एक रैली करी थी, अरविंद केजरीवाल उसमें आए थे संयोजक आम आदमी पार्टी के, तो कैसी क्या प्रतिक्रिया मिली है उसके? 20 तारीख को इस रैली की जबरदस्त प्रतिक्रिया है, पूरे प्रदेश भर में एक लहर फैल गई है और जो हमें सूचनाएं मिल रही हैं कि भाजपा और कांग्रेस में बहुत खलबलाहट हो गई है, बहुत चिंता उनकी बढ़ गई है। और निश्चित रूप से जो हम संदेश देना चाहते थे इस रैली से कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी तैयार हो रही है व्यवस्था परिवर्तन के लिए और 2018 में पूरी ताकत से उतरेगी, वो संदेश हमने बखूबी इस रैली के माध्यम से दिया है। जी मतलब विधानसभा 2018 की तैयारी भी जोरों शोर से चालू होंगी? निश्चित रूप से, बिल्कुल पूरी ताकत से तैयारियां चालू हो गई है और हम लोगों ने अपना बूथ लेवल जो संगठन है उसको 50% से ज्यादा बूथ, करीब 30,000 से ज्यादा बूथ हम बना चुके हैं और बहुत जल्द हम 100% बूथ तक अपना संगठन बना देंगे। और हमने पूरा तय किया है कि 2018 में हम पूरी ताकत के साथ उतरेंगे और दिल्ली में जैसा व्यवस्था परिवर्तन हुआ वैसा व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। तो पूरी 230 सीटों पर आप चुनाव लड़ने की तैयारी? निश्चित रूप से पूरी 230 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, पूरी ताकत से चुनाव लड़ा जाएगा। जी तो अभी एमपी में कितने कार्यकर्ता होंगे आम आदमी पार्टी के? देखिए अगर इसको हम मान के चले, हम 30,000 से ज्यादा बूथ बना चुके हैं, करीब 4,500 सर्किल हैं हमारे पास, करीब 700 हमारे सेक्टर्स से, हैं, कुल मिला के 35,000 से 40,000 पदाधिकारी हमारे इस समय मध्य प्रदेश में है। और इसके अलावा लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए क्या कुछ अभियान चलाए जा रहे हैं? देखिए तरह तरह के अभियान है, बीच में हमने सदस्यता अभियान चलाए थे, जल्दी हम एक और नया अभियान घोषित करने वाले हैं और हम लोग खुलकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, उसमें शहर में मोहल्ले हो, वार्ड्स हो, गांव में सुदूर आदिवासी इलाकों तक हम लोग पहुंच रहे हैं और हम लोग उनको एक कॉन्टेक्ट पॉइंट दे रहे हैं जिससे वो पार्टी से जुड़ सकते हैं। तो इस तरह हम पूरे प्रदेश में जाकर जो व्यक्ति आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहता है उसको अपने साथ ले रहे हैं। जी एक बात और यहाँ पे पूछना चाहूंगा, जो पंजाब और गोवा में अभी चुनाव होने वाले हैं, आम आदमी पार्टी पूरी तौर पर इस पर उतर गई, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है? पंजाब और गोवा में बहुत अच्छी तैयारी है, पंजाब और गोवा दोनों विधानसभाएं हम बड़ी ताकत के साथ जीत रहे हैं और बिल्कुल साफ है, सारे हमारे इंटरनल सर्वेज ये बता रहे हैं कि हम लोग ये दोनों विधानसभाएं बहुत ताकत के साथ जीत रहे हैं। और इन दोनों राज्यों को जीतने के बाद ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि दिल्ली के बाद अब पूरा देश ये चाहता है कि ये लूट की व्यवस्थाएं बंद होनी चाहिए। समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, नर्मदा अभियान से जुड़े हुए हैं, अभी नर्मदा सेवा यात्रा चल रही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए मेरा साफ कहना है कि शिवराज सिंह चौहान जी की जो नर्मदा सेवा यात्रा चल रही है वो मात्र एक दिखावा है, उससे कड़ा शब्द इस्तेमाल करूँ तो ढोंग है ये कह सकता हूँ। मैंने पढ़ा था कि वो साहब 50 लोग चल रहे हैं यात्रा में, वो 5 पेड़ प्रतिदिन लगाएंगे, 250 पेड़ प्रतिदिन लगेंगे, 138 दिनों की यात्रा है। मैंने थोड़ा सा गणित करने की कोशिश की तो 34,500 पेड़ वो लगा रहे हैं नर्मदा में। मैं तो बांधों की लड़ाइयां लड़ता रहा हूँ, बांधों के विस्थापितों के पुनर्वास की। नर्मदा में इंदिरा सागर बांध से 1,00,000 एकड़ जमीन डूबी, 1,00,000 एकड़ में 1 एकड़ में 10,000 पौधे होते हैं, अगर इसी को कॉम्पनसेट करना है तो आपको 138 दिन की यात्रा में प्रतिदिन 70,00,000 पेड़ लगाने पड़ेंगे। अच्छा आप लगा रहे हैं 250, साफ बिल्कुल एक ढोंग है सर। गांव वालों को आप ये बताएंगे कि पेड़ कैसे लगाए जाते हैं? मेरा सारा जीवन नर्मदा की पट्टी में निकल गया, नर्मदा के किनारे पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं, उनको रोकना है तो अवैध खनन को रोकें जो पूरी सरकार की छत्र छाया में पूरी नर्मदा घाटी में चल रही है। अच्छा। इनको रोकना है तो जो शहरों से कचरा जा रहा है नर्मदा के अंदर उसको रोका जाए, ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए। आज तो तकनीकी इतनी विकसित हो गई है कि आप तत्काल ट्रीटमेंट प्लांट लगा सकते हैं, वो आप सब नहीं करके ये एक दिखावा किया जा रहा है कि बड़े नर्मदा की भक्ति की जा रही है। पूरी नर्मदा घाटी को तहस नहस कर दिया गया है इन्होंने, पूरी नर्मदा घाटी में हजारों एकड़ लाखों एकड़ जंगल डूबो के तो उसको पूरा तहस नहस कर दिया गया है। तो ये दिखावे से कुछ नहीं होने वाला, अगर कुछ करना है तो आप ठोस कदम उठाइए, पर वो नहीं होने वाला, ये दिखावा है। और शिवराज सिंह चौहान की पूरी राजनीति दिखावे की रही है, वो शायद बच्चों को लेके हो या कुछ हो, वो मामा है पर रोज बच्चे मरते हैं। आज पूरे प्रदेश की हालत खराब है,
चाहे शिक्षा ले लीजिए, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, पानी ले लीजिए तो एक तिहाई मध्य प्रदेश में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली सबसे ज्यादा महंगी है, 18,000 मेगावाट हमारे पास उपलब्धता है, 11,000 की मांग है, हम अपने सस्ते प्लांट बंद करके निजी प्लांटों से महंगी बिजली खरीद रहे हैं। तो बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर चीज में पूरी सरकार फेल हो गई और भ्रष्टाचार तो नीचे से ऊपर तक बोलबाला है। जी जी, एक और यहाँ पे सहारा मामला आप काफी समय से उठा रहे हैं, जो सहारा मामला आया उसको उठा रहे हैं, उस पर ऐसी कोई अच्छी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही, तो आगे क्या कुछ प्लानिंग है? देखिए बिल्कुल साफ है, सहारा का जो पूरा मामला है उसमें इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, उसमें पेपर मिले हैं जिसमें पेपर में इनकम टैक्स के ऑफिसर के हस्ताक्षर हैं, गवाहों के हस्ताक्षर हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि मोदी जी ने 40 लाख रुपए लिए, नाम मोदी जी लिखा हुआ है। उन्हीं पेपर्स में शिवराज सिंह जी का भी नाम है जिसमें लिखा हुआ है कि नीरज वशिष्ठ के थ्रू लिए गए। नीरज वशिष्ठ सब जानते हैं कि वो डिप्टी सेक्रेटरी सीएम हाउस हैं, उनके घर के डिप्टी सेक्रेटरी हैं, तो उनका काम यही है क्या कि पैसे को इकट्ठा करके सुरक्षित कर देना। और हम कह रहे हैं कि सारे अखबारों में छप रहा है, सब अखबार में छपने के बाद इस मध्य प्रदेश का चुना हुआ मुख्यमंत्री चुप क्यों है? अमौनम स्वीकृति लक्षणम, अगर आप चुप हैं तो आप इसको स्वीकृति दे रहे हैं, और अगर आप स्वीकृति दे रहे हैं तो जिसने अगर गड़बड़ की है उसको गद्दी पर रहने का अधिकार नहीं है। एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, अभी नोटबंदी चल रही है, नोटबंदी का माहौल है, उस पर लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया, आम आदमी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया? देखिये नोटबंदी ने इस पूरी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया, आम आदमी बिल्कुल लाइनों में लग गया है, व्यापार ठप पड़ गए हैं, लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया है, किसान फसल नहीं बेच पाया, बोनी नहीं कर पाया, शादियां टूट गई, तमाम चीजें हुई। और जो असली चीज समझ में आई कि काला धन लाने की तो बात थी नहीं, असल में तो उनको अपने दोस्तों को बचाना था। अच्छा। जो 8 लाख करोड़ के एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गए हैं उसमें से नोटबंदी चालू होते ही 7,000 करोड़ माफ किए गए, जिसमें 1,200 करोड़ माल्या के थे वो माफ कर दिए गए। तो आप असल में काला धन लाने के नाम पर काला धन पैदा करने वालों को राहत दे रहे थे, जिससे आपने देश की 120 करोड़ जनता को पूरी तरीके से हलाकान कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है और हमारा मानना है कि जनता इसका भी जवाब देगी, और 2 तारीख को आम आदमी पार्टी पूरे देश में इसके खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। 2 जनवरी को। 2 जनवरी को। जी 50 दिन पूरे हो गए सर। जी जी, उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 50 दिन के बाद अगर आपको लगता है तो मैं किसी भी चौराहे पे आऊँगा और आप मुझे जो सजा देना हो दे देना, हम 50 दिन के बाद 2 तारीख को हर पूरे देश के हर चौराहे पे खड़ा होकर प्रधानमंत्री जी को सजा देंगे। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल जी, उन्होंने पार्टी की गतिविधियों को लेके ईएमएस टीवी से बात की। तो फिलहाल खास मुलाकात में इतना ही, आप देखते रहिए ईएमएस टीवी। नमस्कार।